तो राम राम सही भाइयों को क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। फाइनली नई ब्रेजा एक और बार लीक हुई है, तो ये गाड़ी आपको डीलरशिप पे आप आती हुई दिखाई दी जाएगी। तो डीलरशिप पे गाड़ी आनी शुरू हो गई, आप देख सकते हैं इस गाड़ी का रेड कलर कितना शानदार लग रहा है, रूफ ब्लैक और गाड़ी का रेड कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आप देख सकते हैं वाइट और सिल्वर कलर भी आपको देखने को दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एक और कलर आप देख सकते हैं ब्रेजा का, जो कि इसका डार्क ग्रे कलर है, जिसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। पर्सनली मैं बताऊं डार्क ग्रे कलर सबसे बढ़िया कलर लग रहा है इस गाड़ी में, आप देख सकते हैं। तो पहले के मुकाबले ब्रेजा का जो साइड का प्रोफाइल है वो आपको थोड़ी बहुत ब्रेजा से मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन पीछे से आपको थोड़ी सी ना गाड़ी का लुक एसयूवी वाला कर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी लुक कर दी गई नई ब्रेजा की। अंदर से आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बलिनो के डिज़ाइन में आपको इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, जैसे बलिनो का इंटीरियर है उसी उससे मिलता जुलता आपको इंटीरियर नई ब्रेजा का मिलने वाला है। देख सकते हैं इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है आपको बिल्कुल ही सेम बलिनो वाला मिलने वाला है। फ्लोटिंग इसमें आपको डिस्प्ले मिलने वाली है, जो कि टच स्क्रीन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इनबिल्ट नेविगेशन के साथ होने वाली है। जहाँ तक है ये आपको 8 से 10 इंच के आसपास की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं। बाकी गाड़ी के फीचर्स की बात करूँ दोस्तों, फीचर्स गाड़ी में काफ़ी शानदार नए कर दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपको HUD यानी कि हेडअप डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, और यहाँ पे आपको और भी इसमें पार्किंग सेंसर्स के बटन दे रखे हैं, तो काफ़ी सारे फीचर लोडेड इसमें गाड़ी में आपको फीचर मिलने वाले हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील आपको देख सकते हैं नई, जैसे आपको नई बलिनो में मिलता है वैसा ही सेम स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। और यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, तो जो कि रात के समय काफ़ी शानदार लग रहा है। नई ब्रेजा नो डाउट और एक महीने के अंदर इस गाड़ी की बुकिंग शुरू हो जाएगी। सनरूफ की बात करें, काफ़ी सारे लोगों को डाउट था सनरूफ है या नहीं है, मैं बता दूं गाड़ी में सनरूफ का ऑप्शन मिलने वाला है, जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एवरेज आप देख सकते हैं इसके MID पे 16.3 की शो कर रही है, जो कि इसके पेट्रोल में है, जो कि काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि स्टीयरिंग के पीछे आप देख सकते हैं। तो नई ब्रेजा का ओवरऑल लुक मैं बता दूं काफ़ी अच्छी है। पीछे भी यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलने वाले हैं। जो लोग सोचते थे पीछे AC वेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पहली ब्रेजा में नहीं मिलते थे, लेकिन आपको अब नई वाली ब्रेजा में पीछे AC वेंट्स और चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा जो बंदे पीछे बैठे हैं या फिर जो पीछे ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, जिसका लुक काफ़ी अच्छा है। यह आपको हुंडई से इंस्पायर्ड थोड़ा बहुत आपको इसका सेंटर कंसोल मिलने वाला है, जो कि इसका AC वाला है, तो काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है आपको। पीछे आपको वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन दिया गया है, पीछे भी स्कॉफ प्लेट मिलेंगी, साइड में आपको क्लैडिंग मिलेगी, तो गाड़ी पूरी तरीके से फीचर लोडेड बनाई गई दोस्तों। तो तीन कलर देख सकते हैं, वाइट, रेड और सिल्वर, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। रेड भी काफ़ी शानदार लग रहा है। प्राइसिंग अभी ऐसा रिवील नहीं हुई, लेकिन जब भी आ जाएगी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। बाकी आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको नई ब्रेजा कैसी लग रही है। नो डाउट मैं बताऊँ तो मुझे तो काफ़ी शानदार लग रही है, और डीलरशिप पे ये गाड़ी आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब कि और आने वाले एक महीने के अंदर ये गाड़ी पूरी तरीके से प्राइस के साथ रिवील कर दी जाएगी। तो जो लोग ब्रेजा लेने की सोच रहे हैं अभी वेट कर लें, उसके बाद ही गाड़ी को लें, क्योंकि गाड़ी कुछ ही दिनों में अब लॉन्च कर दी जाएगी, और पुरानी ब्रेजा का स्टॉक अब मारुति वाले क्लियर करेंगे, क्योंकि नई ब्रेजा आने वाली है। तो दोस्तों ऐसा कुछ गाड़ी का ओवरऑल फीचर है। यहाँ पे आपको एयरबैग भी काफ़ी शानदार, मतलब सेफ्टी भी अच्छी मिलने वाली है, ऐसा रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन सेफ्टी भी नो डाउट आपको ब्रेजा में अच्छी मिलने वाली है। जैसे आपको नई बलिनो में सेफ्टी अच्छी है, वैसे ही आपको नए ब्रेजा में और ज़्यादा सेफ्टी अच्छी मिलने वाली है। नीचे यहाँ पे आपको USB और पावर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलने वाला है। दोस्तों यही था एक आज की हमारी वीडियो में आपको साथ शेयर करनी थी नई ब्रेजा के बारे में। बाकी और भी मेरे पास अगर कोई अपडेट आती है नई ब्रेजा के बारे में, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और जो लोग ब्रेजा लेने के प्लान कर रहे हैं वो भी एक बार कमेंट करके बताओ कि किन किन को ब्रेजा लेने का विचार है और किन को ये गाड़ी पसंद आई। बाकी यही था दोस्तों आज की हमारी एक वीडियो में, एक आपको ओवरव्यू देना था नई ब्रेजा के बारे में कि कैसे कुछ दिखती है रियल लाइफ में, गाड़ी कैसी दिखती है और फोटोज़ में कैसी दिखती है। तो ऐसा कुछ गाड़ी का लुक मिलने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द रिवील कर दी जाएगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। बाकी आपके साथ भी अगर कोई गाड़ी आपको दिखे जो कि टेस्ट हो रही है नई गाड़ी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।